हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पहले करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले। 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्वेश्चन में हमें समीकरण बनाने हैं और ग्राफ बनाने हैं। जो हमने 3.1 में एक्सरसाइज 3.1 में हमने जो करा था, वैसा ही क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन था। इंग्लिश में क्या है इस क्वेश्चन? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु took पार्ट इन द क्विज। देखो, इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस बनाने हैं और उस इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना है, है ना? उस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई। ठीक है, तो हमने माना कि नंबर ऑफ बॉयज हैं एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वाई। ठीक है, अब टोटल कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं, यानी टोटल गर्ल्स और बॉयज मिलके कितने हैं? टोटल 10 हैं, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है, फर्स्ट कंडीशन हमारा ये है। और सेकंड कंडीशन कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो गर्ल्स का नंबर है, यानी जो गर्ल्स का नंबर है x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, x इक्वल्स टू वाई, यानी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, कितना है? 4। यानी ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब हम वाइज में ऐड कर देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या ऑलरेडी y की वैल्यू फाइंड है। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, यानी x प्लस y इक्वल्स टू 10, x प्लस y इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है? x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। x और x क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 4, तो 2x इक्वल्स टू 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे हमारे? 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे? किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तब यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x की वैल्यू आ गई 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गया 7। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 7, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 3। ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन को सॉल्व भी हमने कर लिया, वैसे ये सॉल्व करना नहीं था, है ना? अब इस इक्वेशन, इन्हीं दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है, इन्हीं दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ बनाना है सीखते हैं। ग्राफ तो हमने एक्सरसाइज 3.1 में बना दिया था, सिखाया भी था आप लोगों को। ठीक है, फिर भी एक बार इस इक्वेशन को हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इन्हीं दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है, इन्हीं दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम y किधर लाएं, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4। हमने 4 किधर लाया, तो 4 प्लस में इधर माइनस में हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना? पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10।
हम पहले x की वैल्यू 0 लेंगे, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल्स टू 10। यानी जब हमने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू हमने 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे इसी इक्वेशन में, यानी x प्लस y इक्वल्स टू 10। अब y की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0, यानी x प्लस 0 इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। जब x 10 आया तो y 0 था। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4 है ना। x की वैल्यू एक बार हम 0 रखेंगे, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, यानी y इक्वल्स टू आ जाएगा 4। x 0 तो y 4 आ गया, है ना। अब हम इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रखेंगे, x माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस 4। x की वैल्यू आ जाएगी हमारा माइनस 4। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू आ गई हमारा माइनस 4। जब हमने x 0 रखा तो y 4 आ गया, जब हमने y 0 रखा तो x की वैल्यू माइनस 4 आ गया। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमें ग्राफ पे शो करना है, इसी इक्वेशन को हमें ग्राफ पे शो कर देना है। ठीक है, इसका हम ग्राफ बना लेते हैं यहां पे। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये हमारा एक्स डैश है, यहाँ 0, 2, 4, 6, 8, 10, माइनस 2, माइनस, ठीक है, 2, 2 2 का गैप ले लिया हमने, यहाँ पे माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, 2, 2, 4, 6, 8 और 10, माइनस 2, माइनस 4 और माइनस 6। ठीक है, फर्स्ट में हमारा है जब x 0 है तो y 10 है, x 0 है तो y 10 है, और सेकंड में है x 10 है तो y 0 है। ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे आ गया, और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास x 0 है तो y हमारा क्या है, x 0 है तो y हमारा 4 है, x 0 है तो y हमारा 4 है, और जब हमारा y 0 है तो x माइनस 4 है। तो कुछ इस हिसाब से हमारा ग्राफ बनेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहे, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 पेंसिल एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट 50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू एक्स रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू वाई रुपीस। हिंदी में कैसे लिखेंगे, माना एक पेंसिल की कीमत एक्स रुपी है और एक पेन की कीमत वाई रुपी है ना। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन 5 पेंसिल और 7 कलम, यानी 5x प्लस 7y, ये है किसके बराबर, 50 के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन कह रहा है 7 पेंसिल 7x प्लस 5y, यानी 5 कलम, ये है 46 के बराबर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस ये इक्वेशन बन गया, अब इस इक्वेशन को हमें क्या कर देना है, ग्राफ पे शो कर देना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम पहले लिखते हैं, 5x प्लस 7y
इक्वल्स टू 50, एक्स की वैल्यू हम 0 मानते हैं, यानी 50 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा हमारा y की वैल्यू। इसी इक्वेशन को हम एक बार x की वैल्यू 0 मान के सॉल्व कर लेते हैं, एक बार हमने y की वैल्यू अब 0 मान के करने हैं, तो यानी 5x प्लस 7 0 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ x की वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, 50 ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। यहाँ हमने x 0 माना तो y आ गया हमारा 50 डिवाइड बाई 7, यहाँ हमने y 0 माना तो x की वैल्यू आ गया 10। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेना है, यानी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, एक्स की वैल्यू 0 मानो तो 70 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, तो y इक्वल्स टू 46 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। उसके बाद हमें y की वैल्यू 0 मान लेने हैं, यानी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, तो y इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 50 इक्वल्स टू 46, 7x इक्वल्स टू 46, यानी x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 46 डिवाइडेड बाई 7, x की वैल्यू आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। एक बार जब हमने x 0 माना तो आ गया 46 डिवाइडेड बाई 5, एक बार हमने y 0 माना तो आ गया 46 डिवाइडेड बाई 7। आप इसको ग्राफ पे शो कर सकते हो, ग्राफ पे डिनोट्स करना आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट था, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर टू करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू करेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन टू करने के लिए हमें ये तीन फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन टू करने के लिए हमें ये तीन फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। कंडीशन वन है हमारा, जब A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा तो उस स्थिति को हम कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, उस स्थिति को कहते हैं हम प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, या उसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, उसका केवल एक हल होगा। इंग्लिश बोलते हैं इसको इंटरसेक्टिंग लाइन एंड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन है हमारा, जब A1 A2 का रेशियो बराबर इक्वल होगा B1 B2 के और इक्वल होगा C1 C2 के, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स, यानी संपाती रेखाएं, ठीक है। और उसको उसमें कितने सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल निकल के आते हैं। तीसरा कंडीशन है A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के इक्वल होगा, बट इक्वल नहीं होगा C1 और C2 के रेशियो के, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा है, जिसका कोई हल नहीं होगा, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब सबसे पहली बात है, हमें समझने की जरूरत है कि A1 किसे कहते हैं, A2 किसे कहते हैं, B1 किसे कहते हैं, B2 किसे कहते हैं, है ना। हम अब इस इक्वेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि A1 B1 और A2 B2 C1 C2 किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड मतलब क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारे एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट क्वेश्चन 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, है ना। अब इस क्वेश्चन में ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन नंबर वन को पहले देखना है। इक्वेशन नंबर वन में जो हमारे x वेरिएबल के साथ जो नंबर है, यानी x के साथ जो नंबर है वो हमारा a1 होता है, यानी a1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। y के साथ जो हमारा नंबर है, y के साथ जो हमारा कोएफिशिएंट है वो हमारा b1 होता है, यानी b1 कितना आएगा हमारा -4, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। c कांस्टेंट होगा, है ना, तो ये कितना हमारे पास 8 है, तो c1 हमारा कितना है 8 हो गया। उसके बाद अब इक्वेशन टू को देखेंगे, तो x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो हमारा a2 होगा, 7 है। y के साथ जो हमारा कोएफिशिएंट है वो हमारा b2 होगा, जो हमारा 6 है। और जो कांस्टेंट होगा वो c2 होगा, जो कि हमारा -9 है। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करना। फिर से समझ लेते हैं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x के साथ, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा a1 होगा, x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा a1 होगा। इक्वेशन वन में ही जो y का कोएफिशिएंट होगा वो b1 होगा, c कांस्टेंट होगा।
इक्वेशन नंबर सेकंड में एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा ए टू होगा, वाई का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा बी टू होगा, सी कांस्टेंट होगा। अब हमें ए वन बी टू ए वन सी टू मिल गया। पहला फॉर्मूला, हम पहले इसको ए वन ए टू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ए वन बाई ए टू यहाँ से लिखते हैं, ए वन बाई ए टू इक्वल बी वन बाई बी टू इक्वल सी वन बाई सी टू, फर्स्ट कंडीशन। अब ए वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, ए टू की वैल्यू 7, ए वन की वैल्यू देखो 5 है, ए टू की वैल्यू 7 है, बी वन की वैल्यू है -4 और हमारा बी टू की वैल्यू है 6, सी वन की वैल्यू है 8 और सी टू की वैल्यू है -9, ठीक है, सी टू की वैल्यू हमारा -9। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन ही है, इक्वल नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ए वन ए टू का रेशियो इक्वल नहीं है बी वन बी टू के, यानी यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल हो जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, क्वेश्चन सेकंड में यही पूछ रहा था कि जो भी हमारा इक्वेशन दिया है उनके रेशियो फाइंड करो और बताओ कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बस इतना कैलकुलेट करके हम यहाँ लिख देंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y इक्वल्स टू 24 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हम a1 की वैल्यू कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है इक्वेशन नंबर 1 में, 9 है, b1 y का कोएफिशिएंट 3 है, c1 y का जो कोएफिशिएंट है 12 है, a2 की वैल्यू कितनी आएगी जो हमारा इक्वेशन सेकंड है, x का कोएफिशिएंट 18, b2 यानी 6, C2 की वैल्यू 24, है ना। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमारा फाइंड हो गया, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ पे हमारा प्लस है। तो हम वैसे ही रेशियो फाइंड करेंगे। अब A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल B1 डिवाइडेड बाई B2, B1 डिवाइडेड बाई B2, C1 डिवाइडेड बाई C2। अब यहाँ पे हम A1 की वैल्यू रखेंगे, A1 की वैल्यू कितनी है 9, A2 की वैल्यू कितनी 18, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 12 और C1 की वैल्यू 12 और C2 की वैल्यू 24, 9, 18, 3, 6 और 12 और 24। देखो ये सब एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 4 2 24, यानी क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। ये A1 A2 का रेशियो, B1 B2 के रेशियो और C1 C2 का रेशियो तीनों इक्वल है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, जब तीनों इक्वल होता है तो समपाती रेखाएं या कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पे हम ये वाला कंडीशन लिख के छोड़ देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे समपाती रेखाएं। क्या लिखेंगे हम, समपाती रेखाएं लिखेंगे हम, समपाती रेखाएं, और इंग्लिश में लिखेंगे को इंसिडेंट लाइन समपाती रेखाएं। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि A1 A2 बराबर है B1 B2 के और इक्वल है किसके, C1, मतलब A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के और C1 C2 के रेशियो के इक्वल है, इसलिए समपाती रेखा यानी को इंसिडेंट लाइन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, इसमें हमारा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो हमारा a1 कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 6, b1 कितना है y का कोएफिशिएंट है 3, c1 कितना है 10, a2 कितना है हमारे पास 2, b2 कितना है हमारे पास y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1, तो यहाँ -1, c2 का कोएफिशिएंट कितना है 9। अब फिर से वही सेम फॉर्मूला, A1 डिवाइडेड बाई A2, B1 डिवाइडेड बाई B2, C1
डिवाइडेड बाई सी टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 9, 10 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब देखो इसको अगर 2 1 2 2 3 जा 6, अब यहाँ पे ये नहीं कटेगा, तो यहाँ देखो प्लस 3 यहाँ माइनस में है, ये इक्वल है, ये पहला ही इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल हो जा रहा है, A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या लिखेंगे हम, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंग्लिश में लिखेंगे हम क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही रेशियो फाइंड करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अनुपात A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो ये कब होता है, ये कब कब होता है ना, तो इन दोनों में कंसिस्टेंट होता है, इन दोनों में कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंस, इन दोनों में कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, संगत, और इनमें इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट, इंग्लिश बोलते हैं असंगत। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें हमें करेंगे कि इस वैल्यू को इक्वल्स टू के इस साइड ले जाएंगे, इस वैल्यू को इक्वल्स टू के हम इस साइड ले जाएंगे, यानी हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब हमारा A1 और A2 डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाई C2, है ना। यहाँ पे A1 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 3 है, A2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, B1 की वैल्यू 2 और माइनस 3, और C1 का वैल्यू माइनस 5 और माइनस 7 है, ठीक है। ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी हमारा फर्स्ट कंडीशन ही पूरा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये संगत है, ठीक है। ये युग्म कौन सा है, संगत है, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट रहा। अब हम करेंगे इसका सेकेंड, क्वेश्चन 3 का सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। इस इक्वेशन को पहले ठीक करेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला हमारा वही, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाई C2। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, माइनस 3, माइनस 6, माइनस 8 और माइनस 9, ठीक है। देखो A1 यानी x के कोएफिशिएंट 2, A2 x का कोएफिशिएंट 4, B1 y का माइनस 3, B2 y का माइनस 6। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखना है, C1 में माइनस 8 और माइनस 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। इसमें ये दोनों इक्वल नहीं है, A1 B1
a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं है c1 और c2। ये थर्ड कंडीशन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। ये युग्म क्या है, ये पेयर क्या है, असंगत है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर अब हम 4 इसका क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y = 7। फिर हमारे पास 9x - 10y = 14। यहाँ पे हमारा a1, पहले हम इसको इधर ले जाएंगे, यानी 3/2x + 5/3y - 7 = 0, है ना। उसके बाद 9x - 10y - 14 = 0। इक्वेशन लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा a1 a2 = b1 b2 = c1 और c2, ठीक है। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 है, डिवाइडेड बाई a2 की वैल्यू कितना है हमारे पास, 9 है। a2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, 9 है। इक्वल्स टू b1 है हमारे पास 5/3, b2 हमारे पास माइनस टेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास c1 - 7 / -14। अब देखो यहाँ पे सारी सम नंबर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ सारे नंबर क्या है, ये निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव इक्वल नहीं हो सकता है, यानी ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट यानी संगत। देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस इक्वल हो नहीं सकता, ये इक्वल नहीं, यानी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाता है, इसलिए हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है। अब इसका हम फोर्थ क्वेश्चन हमारा 5x - 3y = 11 -10x - 10x + 6y = -22, है ना। इसको सही करेंगे, 5x - 3y - 11 = 0, -10x + 6y + 22 = 0। फॉर्मूला हमारा वही, a1 a2 = b1 b2 = c1 c2। a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -10 - -3/6 - -11/22। देखो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 11 1 = 11, 11 2 = 22, यानी सारा आएगा हमारा -1/2 = -1/2 = -1/2। ये हमारा सेकेंड कंडीशन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट यानी संगत। ये हमारा जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब हमारा थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो 4/3x + 2y - 8 = 0, 2x + 3y - 12 = 0। देखो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 की वैल्यू 4/3, a2 की वैल्यू 2 = b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, -8/-12। यहाँ a1 की वैल्यू है 4/3, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है -8, c2 की वैल्यू है -12। इसको ठीक कर लेते हैं हम, यहाँ पे ये ठीक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 4/, इसको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ कर लेते हैं साइड में। अब 4/3, ये 2 इधर डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, और ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 4 से काटो, 4 2 = 8, 4 3 = 12, ये 2 से कट जाएगा 2/3, ठीक है। यानी सारे क्या हो गए, 2/3 2/3 2/3, यानी ये इक्वल है, ये हमारे लिए क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या हमारे लिए, कंसिस्टेंट है, यानी ये संगत है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये संगत है या असंगत। सेम क्वेश्चन है,
और अगर संगत है तो उसका ग्राफ बनाना है, उसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव और टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू टेन, ठीक कर लेते इसको, एक्स प्लस वाई इक्वल माइनस एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो, टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टेन इक्वल्स टू ज़ीरो। ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ए वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास वन, ए टू की टू इक्वल्स टू वन बाई टू इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई माइनस टेन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सारा क्या जाएगा, वन बाई टू इक्वल्स टू वन बाई टू इक्वल्स टू वन बाई टू, ये तीनों क्या है इक्वल है, हमारे सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है तो ये क्या हमारे पास कंसिस्टेंट है, ये हमारे पास ये पेयर हमारा कंसिस्टेंट है यानी संगत है। अगर संगत है तो इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पे x की वैल्यू जीरो मानेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू जीरो मानेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो आप इसका ग्राफ बना लेना। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन फोर का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल्स टू एट और थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्सटीन, ठीक कर लेते हैं, x माइनस वाई माइनस एट इक्वल्स टू ज़ीरो, थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू ज़ीरो। ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ए वन की वैल्यू वन थ्री इक्वल्स टू बी वन की वैल्यू माइनस वन माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस एट डिवाइड बाई माइनस सिक्सटीन। देखो यहाँ ये प्लस प्लस ये तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये हमारा थर्ड कंडीशन हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यानी ये असंगत है, इसका ग्राफ नहीं बनाना है, इसका नो ग्राफ, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब बोल रहा है कंसिस्टेंट होगा तभी उसका ग्राफ बनाना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्राफ हमें नहीं बनाना है, ठीक है, तो इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। ए वन ए टू इक्वल्स टू बी वन बी टू इक्वल्स टू सी वन सी टू, ए वन की वैल्यू कितना है हमारे पास टू, ए टू की वैल्यू फोर, बी वन की वैल्यू वन डिवाइडेड बाई माइनस टू और हमारे पास सी वन की वैल्यू है माइनस सिक्स डिवाइड बाई माइनस फोर। देखो ये प्लस में है माइनस में, ये ऑलरेडी इक्वल नहीं है यानी ये फर्स्ट कंडीशन है, ये क्या हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। जब ये कंसिस्टेंट होगा यानी संगत होगा तो इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन फोर का फोर्थ पार्ट, ये हमारे पास टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, फोर एक्स माइनस फोर वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। ए वन डिवाइडेड बाई ए टू बी वन डिवाइडेड बाई बी टू सी वन डिवाइडेड बाई सी टू, टू डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस फोर और माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। ये माइनस माइनस प्लस ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है क्योंकि टू और फाइव है इक्वल नहीं, यानी ये थर्ड कंडीशन है, ये हमारा क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट है इसका ग्राफ नहीं बनेगा, नो ग्राफ, जब ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि ये असंगत है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर तक कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में फाइव क्वेश्चन करेंगे, मतलब आगे के क्वेश्चन फाइव सिक्स सेवन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3.2 का क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू थ्री और फोर्थ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।